इस वक्त आप देख रहे हैं बैटिंग क्रीज पर साबिक कप्तान सरफराज अहमद को, जो कि टेस्ट क्रिकेट में अपना कमबैक कर चुके हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, और अब श्रीलंका दौरे के लिए भरपूर ट्रेनिंग और प्रिपरेशन का आगाज़ उन्होंने भी कौमी टीम के साथ कर दिया है। ये आपने नसीम शाह को देखा जो इस वक्त नेट में बॉलिंग कर रहे हैं, और ये एक नेट बॉलर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें आमिर जमाल भी बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में 4 फास्ट बॉलर्स मौजूद थे, जिसमें से हसन अली ने कल ज्वाइन नहीं किया था, आज उन्होंने भी ज्वाइन किया है। और आप इस वक्त सरफराज अहमद को देख रहे हैं जो कि नसीम शाह को फेस कर रहे हैं और भरपूर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है और अब उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी भी है पाकिस्तानी बैटिंग की। और जनवरी के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, ऑल्दो PSL उन्होंने खेली थी, तो बहुत कुछ उनको भी साबित करना है। कमबैक तो हो चुका है, मगर टीम में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए श्रीलंका में उनको बहुत रन करने पड़ेंगे।